2014 रे मोदी सरकार क्षमता को आसीबा दिनरु फोकस रे रहिछि महिलांक विकास महिला कल्याण पई मोदी सरकार अनेक बड़ बड़ योजना आरंभ करिछन्ति एथिरु प्रथम हेउछि स्वच्छ भारत अभियान जहाँ अधीन प्रति घरे शौचालय निर्माण पई आर्थिक सहायता प्रदान करा जायछि महिलांक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे आसिछन्ति मोदी सरकार एथिपई उज्ज्वला योजना रे गरीबंकु मागणारे एलपीजी गैस संयोग दिया जाउछि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला शक्ति केन्द्र आदि बहु योजना केन्द्र सरकार पक्षर चला जाउछि एही सब योजन देशर कोटि कोटि महिला लाभवान होती सेमान जीवन एवं जीवन धारण में आसुची दृष्टांतमूलक परिवर्तन क्लियर कर दिया गया है और अब गौमुख से गंगा बहेगी गंगा सागर तक बहेगी ये बिल अब पास होके ही रहेगा इसमें कोई दोहराई नहीं है और बहुत वर्षों से इंतजार था वो हो जाएगा। अब वो तो देखिए हर एक बात में वॉर तो होता ही है ना क्योंकि इतना बड़ा देश है इतने सारे मतों के पार्टियां हैं लेकिन मेन चीज ये है कि जो खाना बना के खिलाता है स्वाद आपको देता है वही तो रहेगा। क्लियर कर दिया है तो हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री ऐसे ही हो जो सब आदमी के बात को ध्यान रखे और देश को बढ़ाने में सबकी कामयाबी का उपलब्धि ले। बहुत अच्छा लगा कि हमारे समय में ये भी एक अनोखा चीज अनूठा चीज जो कभी भी सोच नहीं सकता था कि महिला बिल पास होगा महिला की शक्ति और बढ़ा दिया गया है महिला का मान सम्मान बढ़ा दिया गया है। अब क्या पूछिएगा वी डोंट नो वो क्या कर रहे हैं लेकिन अगर वो बिल आता है तो हम एक महिला के नाते एक महिला सांसद के नाते उनका स्वागत। केंद्र सरकार केंद्र कैबिनेट जो ऐतिहासिक निष्पत्ति नहींचंती महिला मानक 33% रिजर्वेशन रो ये गोटे ऐतिहासिक निर्णय एवं जुगांतकारी बोली मु कहिबी देश बदलुची एवं देशर ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज स्पष्ट भाव जना पड़ी जो भाई भाव मोदी सरकार आम प्रिय प्रधानमंत्री 33% महिला रिजर्वेशन उपरे मोहर देचंती मोदी सरकार सबुबले महिला मानकर सशक्तिकरण सुरक्षा तांको स्वावलंबी करिवा ए दिगरे तृणमूल स्तररु तांकर केमती उन्नति हो ए दिगरे काम करी आछंती एठी महिला मानकर प्रतिनिधित्व महिला माने करिवे एवं 33% महिला निर्वाचित होकर असेंबली एवं पार्लियामेंट रे पहुंचिबे ये गोटे जुगांतकारी कथा